अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको कोड भी दूंगा, लिंक दूंगा और लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें, इट्स ऑल यूअर्स। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड कैसे किया है और इसके अंदर कैसे चेंजेस की जा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं देन भी आप इस क्लॉक को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके साथ अपना नाम लिख सकते हैं और इस कोड को आप आहिस्ता आहिस्ता कॉपी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देख सकते हैं जहाँ पे आपको गलती हो, फिर वो आप कोड को मैं आपको समझा दूंगा। मैं दोनों क्लॉक आपको दिखाऊंगा, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक आप देख सकते हैं। तो ये देखें 24 आवर्स 11:46 हुए हैं। तो ये आपके सामने जो है वो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी खुद क्लॉक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड आपको मैं पहले दिखाऊंगा एनालॉग क्लॉक का, क्योंकि एनालॉग क्लॉक अगर आप बना लें तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो जाती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जेक्यूरी CSS, तो आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं CSS को। ये HTML का पेज है, ये आपको तीन फाइल्स मैं आपको साथ शेयर करूंगा और वो आप देख लीजिएगा। तीन फाइलें शेयर करूंगा मैं आपके साथ, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आपको जेक्यूरी की फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है वो हैंगर का कंटेनर लगा हुआ है। हैंगर कंटेनर का मतलब है कि जहाँ पे क्लॉक को हैंग करना है, तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप उसकी और हैंगर वर्टिकल स्ट्रिप, तो ये चीज़ें उसके अंदर हैं। और क्लॉक के हैंड्स, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्लॉक के हैंड्स जो हैं वो सेकेंड हैंड, मिनट और आर, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना, क्योंकि ये CSS है, इसके थ्रू आप इसके कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर क्लॉक के अंदर सेंटर सर्कल है जिसके साथ वो सारी जो नीडल्स हैं वो लगी हुई हैं। उसके बाद ये फिर कुछ और 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock, तो उसके लिहाज से वो पॉइंट्स लगे हुए हैं, उनको आपने देखना है, कॉर्नर स्टेप्स को। और बॉटम लेग जो है, और क्लॉक बॉटम लेग जो है वो आपको शो की गई है। तो ये बहुत थोड़ा सा कोड है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ स्पैम की टैग है, कुछ डिव की टैग लगाई हुई है, तो HTML का कोड काफ़ी आसान है इसके अंदर। फिर आपको CSS के अंदर इसकी कलर स्कीम के लिहाज से देखना है, और बड़ा सिंपल सी चीज़ें यहीं बताई हुई हैं कि बॉडी है, क्लॉक है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, आप क्लॉक को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ CSS 3 की जो है वो कलर स्कीम यूज़ हुई है। हैंगर कंटेनर जो है उसका कलर आपने क्या रखना है, उसे कहाँ पर प्लेस करना है, सेंटर में। तो ये कोड आपको मिल जाएगा, कोड आप ले लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। और क्लॉक की बॉडी और ये चीज़ें हैं, कलर आपने चेंज करना है या बॉर्डर कलर चेंज करना, तो ये FF की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। नेट पे आप कलर स्कीम सर्च भी कर सकते हैं। फर्स्ट 2 जो है वो रेड के लिए होते हैं, नेक्स्ट 2 जो है वो ग्रीन के लिए, और लास्ट 2 जो है वो ब्लू के लिए, रेड ग्रीन ब्लू। तो आप कलर कम्बिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉर्नर स्ट्रिप्स जो हैं उनका कलर चेंज करना है। 12 o'clock जो है उसके लिहाज से क्या होगा, 3 o'clock पे, और वो 9 o'clock पे। तो मैंने इसका कलर देखे रेड ग्रीन ब्लू ही रखा हुआ, ताकि आपके सामने वो जो है वो कलर कम्बिनेशन सही रहे। तो क्लॉक बॉटम लेग है, लेफ्ट लेग है, तो हर चीज़ की CSS बताई हुई है कि कौन सी ये क्लास है, कौन सी जो है वो ID है, रोटेट उसने कहाँ पे होना है, वो नीडल्स कैसे मूव करेंगी, तो वो सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर आप को वेरिएबल्स जो है वो लेने हैं, कि जो वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं उनकी वैल्यू रखेंगे। फिर कुछ फंक्शंस बनाने हैं आपने, कांस्टेंट फंक्शन बनाए, और देखें ये बड़ा सिंपल सी लॉजिक है कि अगर सेकंड जो है वो इक्वल टू 59 हो जाए तो फिर सेकंड की वैल्यू दोबारा क्या हो जाए, 0। अगर मिनट की 59 हो जाए तो वो क्या हो जाए। अगर आर्स की 23 हो जाए तो आर कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, और आर में +1 होता जाए तो ये चीज़ें, मिनट में +1 होता जाए जब जब ट्रू हो, सेकेंड में प्लस हो जाए, तो ये सारा इफ़ नस्टेड इफ़ यूज़ हुआ हुआ है। फंक्शन यहाँ पे jQuery यूज़ हुई है, ये जो चीज़ है jQuery के यूज़ किया, गेट करंट टाइम, करंट टाइम को लेके फिर आगे उसको नेक्स्ट यूटिलाइज़ किया। यहाँ पे अपडेट का फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, जो कि ऊपर हमने आवर्स मिनट सेकेंड वो प्लस होते जाएंगे, और आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो फिर उसके लिहाज से .2 स्ट्रिंग करके उसको रोटेट आवर्स के अंदर रखा हुआ है, तो बाकियों के साथ 6 यूज़ किया है। बाकी CSS रोटेट कर रहा है उसको, जो नीडल्स मूव कर रही हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए है। तो ये सारा कोड जावास्क्रिप्ट के लिहाज से है,
और हर ये 1000 लिखने का मतलब है कि 1 सेकेंड, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो बाकी जे क्यूरी आपने वैसे ही ले आनी है, तो ये फाइल होती है नेट पे, आपको यहाँ पे पाथ दिया हुआ है जो कि यूज़ हो रहा है। तो ये तो कोड हो गया एनालॉग क्लॉक का। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको डिजिटल क्लॉक, उसकी HTML और उसकी CSS दिखा दूँ। डिजिटल क्लॉक जो है उसको अगर हम देखें तो ये उससे भी आसान कोडिंग है। इसके अंदर आर्स लिख रही हैं स्पैम के अंदर, 0 0 और कॉलन, फिर 0 0 फिर, तो ये क्लॉक काफ़ी आसान है। इसके अंदर वो नीडल्स वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे ये जेक्यूरी जो है वो इनेबल की हुई है। ये जो अगर लाइन लिख दें तो आपको इंटरनेट से डायरेक्टली जेक्यूरी की फाइल मिल जाएगी, और ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस को यूटिलाइज किया गया। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिव यूज़ किया, क्लॉक कंपोनेंट की CSS क्लास बनाई हुई है, और उसके अंदर ये ID इज इक्वल टू आर्स, ID इज इक्वल टू कॉलन और मिनट्स, और क्लास जो है वो ये सारी रखी हुई है। उसके बाद इसकी CSS भी उससे कम है, बॉडी है, क्लॉक है, और कुछ बस थोड़ा बहुत क्लॉक कंपोनेंट और क्लॉक कंपोनेंट, और फिर उसके अंदर स्पैम के ऊपर आपने क्या करना है वो चीज़ है। H1 में आपने वो जो चीज़ डिस्प्ले की हुई है कि वो जो लिखा हुआ है टाइम के 24 आवर, उसके बाद हमने देखना है स्क्रिप्ट। इसके अंदर स्क्रिप्टिंग भी कम है, थोड़ा सा काम है, और गेट करंट टाइम लेके उसके बाद यहाँ पे उनको डेटली, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डेट डॉट गेट आवर्स, तो वो जो इस टाइम पे आर है वो आ जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर, फिर मिनट और फिर सेकंड, फिर उन्हीं को ही हमने नेक्स्ट चेक करना है। और अपडेट का फंक्शन इसलिए बनाया है कि ताकि हर सेकंड के बाद वो हम उसको अपडेट कर सके, कॉल कर लें। तो ये गेट करंट टाइम, फिर अपडेट, और फिर ये जो है वो पैड स्टार्ट, ये चीज़ यूज़ की है। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये अगेन 1000 तक ही उसको रखा जाएगा, क्योंकि 1000 का मतलब होता है यहाँ पे 1 सेकेंड। तो ये सारा कोड है जिसको आप अंडरस्टैंड कर लें और फिर उसको यूटिलाइज कर लें। और ये आपके सामने इसकी आउटपुट है। आपने इसका कलर चेंज करना है, इसका हैंगर का कलर चेंज करना है। ये जो है वो बता रहा था कि 12 o'clock, तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी आप मॉडिफिकेशन करके इसके साथ अपना लिख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के साथ लगा सकते हैं। तो ये H1 के लिए यूज़ हुआ हुआ है, बाकी ये वही पैड है। इसके ऊपर इसके लिए क्लॉक कंपोनेंट की क्लास बनाई हुई है, जो कि इसका कलर चेंज कर लें, इसको बड़ा कर लें, इसको सेंटर लाइन कर लें, और तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और इस लॉजिक से, इस कोड से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आपकी लॉजिक इम्प्रूव हो सकती है। आपको जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML एक ही जगह पे मिल रहे हैं, और एक प्रोडक्टिव थिंग आपके सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको डाउनलोड कर लें और फिर उस कोड को मॉडिफाई करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सारे लोग पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।